कभी सोचा है कि मोनालिसा इतनी ज्यादा फेमस कैसे हो गई? वेल, इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे इस नल्ले छपरी बेरोजगार चोर विंचेंजो का हाथ है। दरअसल 8000 करोड़ से भी ज्यादा महंगी ये पेंटिंग पहले सिर्फ आर्ट लवर्स में ही फेमस हुआ करती थी, लेकिन साल 1911 में विंचेंजो ने इसे पेरिस के एक म्यूजियम से चुरा लिया और फिर इसे ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हर अखबार में इस चोरी की खबर छपी और तब आम लोगों को पता चला कि मोनालिसा नाम की भी कोई चीज दुनिया में मौजूद है। यानी लियोनार्डो ने सिर्फ इस मास्टरपीस को बनाया, लेकिन एक चोर ने इसे दुनिया भर में फेमस कराया।